हाँ, गुड इवनिंग, वेलकम टू फिलू। क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दे इसमें? ये सारे करवाने हैं दोनों। सारे करवा दे। हाँ देखो, इसमें बोला गया है इन द फिगर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बोला गया है पी एक सर्कल दिया गया है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसका जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेज सर्कल को टच करता है उसको बोलते हैं साइक्लिक। तो यहाँ ये साइक्लिक दिया है पी क्यू, फिर यहाँ ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इसका नाम है पी क्यू आर एस, ठीक है, और इसमें एक डायगोनल ज्वाइन किया गया आर एस आर सॉरी हाँ पी और आर को ज्वाइन किया गया, पी आर को, ठीक है, ये है पी आर। चलो इसके बाद देखो क्या होगा, हम लोग का पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ये बोला गया, 50 35। देखो ये क्या है, ये 35 और ये है 50, ठीक है, और ये एस देखो कितना, एस हम लोग को पता नहीं, यहाँ एक्स दिया गया है, ठीक है। अच्छा देखो सिंपल सा, देखो इस ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये बना, ये हम लोग का ट्राइंगल बन रहा है, यस सर, तो एंगल एस हम लोग फाइंड कर सकते हैं तीनों एंगल का अगर सम करेंगे इसका, ये तीनों एंगल 35 50 और ये एस, ठीक है। सिंपल बोले तो हम एंगल का नेमिंग करते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी आर एस में। तो इसमें एंगल एस प्लस ये एंगल को क्या बोलेंगे, एस पी आर प्लस एस आर पी, एस पी आर बोलेंगे एक एंगल को और एक को बोलेंगे एस आर पी। देख लो एस पी आर मतलब क्या हो गया, एस पी आर मतलब ये 35 वाला, ठीक है, एस आर पी मतलब क्या हो गया 50 वाला, एस आर पी ऐसे जाता है ना। देख तो ये कितना आएगा, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम आता है 180 डिग्री, ठीक है। अब एस हम लोग को पता नहीं है, छोड़ दो, एस पी आर तो पता है ना, एस पी आर कितना है, एस पी आर है 35 डिग्री, तो इसके जगह लिख देंगे 35 डिग्री, और एस आर पी कितना हम लोग का, एस आर पी दिया 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एस बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो 35 और 50 क्या हो जाएगा, 85 होगा, ठीक तो जो 85 हुआ उसको उधर ले जाओ तो -85 हो जाएगा, ठीक है, तो 180 से 85 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 95 डिग्री, एंगल एस इज इक्वल टू 95 डिग्री। देख लो ये हम लोग का एस का वैल्यू होगा 95 डिग्री। चलो यहाँ तक तो हो गया, अब देखो एस और क्यू क्या ऑपोजिट एंगल है। देख ये जो एस है और ये क्या है, क्यू क्या है, ऑपोजिट एंगल। हम लोग जानते हैं किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसमें देखें एस हम लोग का है 95, तो एस के जगह लिखेंगे 95। क्यू कितना हम लोग का, क्यू दिया गया है एक्स, 95 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 95 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -95 डिग्री, ये आएगा 85 डिग्री, कितना आ जाएगा, सॉरी 85 नहीं आएगा, हाँ 85 डिग्री आएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 85 डिग्री। देख लो ये आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो किसी स्टेप में अगर डाउट हो रहा तो बताओ, कोई भी स्टेप अगर समझ नहीं आता चेक कर लो एक बार, ना सर। क्लियर ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बताते हैं, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। क्या बोला गया है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल। चलो देखते हैं, तो मतलब क्या साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल बोलता है, मतलब हम लोग को पहले से पता है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये जो अंदर दिया है ये पैरेललोग्राम पता है, प्रूफ क्या करना है इसको, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे, किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होता है किसी एक एंगल को, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग, तो ऐसा करते हैं हम लोग, सिंस क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 8, सिंस ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम, क्या बोलेंगे हम लोग, सिंस क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंगल बी क्या होगा, एंगल डी, ठीक है। अब देखो एंगल ए एंगल सी से इक्वल है, एंगल बी एंगल डी से इक्वल, और ऑल्सो नाउ, ठीक है, अब देखो ए और सी को ऐड करेंगे कितना आएगा, ए और सी को ऐड करेंगे तो आएगा 180, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ए और सी हम लोग का आ जा रहा है 180, ठीक है।
अब देखो ए और सी बराबर है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए इज इक्वल टू 180, क्योंकि सी और ए क्या था, इक्वल था। अगर ये दिक्कत होता है तो ऐसे समझो, ए और सी को एक्स मान लो, ठीक, ए और सी को एक्स मान लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ए को भी एक्स माने थे और सी को भी एक्स माने थे क्योंकि दोनों इक्वल था, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, टू एक्स इज इक्वल टू 180, और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये 2 चला जाएगा डिवाइड में 180 बाई 2, तो कट के क्या आ जाएगा 90 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो एक एंगल हम लोग का आ चुका है 90 डिग्री, ए और सी क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है, तो एक ही एंगल कोई भी लो 90। आप देखो किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलने लगते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं, नाउ इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में एंगल क्या आ गया 90 डिग्री, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयर फोर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ए बी सी डी रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी हम लोग का रेक्टेंगल होगा, क्लियर है, यस सर, रेक्टेंगल हो गया, तो ये हम लोग को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है, तो बस ऐसे प्रूफ करना था, और कोई डाउट था क्या? नो सर, ठीक ना, तो इसी तरह से बनाना, और अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछना, और सेशन अच्छा लगा हो तो रेट जरूर करना, ठीक है, ओके सर, ठीक है, ओके, बाय ऑल द वे।